नमस्कार, मैं उमाई सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लगाती हुई जरूर नजर आती है, लेकिन 240 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। इससे माना जा रहा है कि इस बार के जो 2027 के विधानसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अगर उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है, निर्णायक भूमिका में नहीं आ पाती है, तो जाहिर तौर पर इसका नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसके साथ ही अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने इस बार दरकिनार कर दिया था, जिसमें संगीत्रा मौर्य का नाम आता है, अपर्णा यादव, वरुण गांधी, ऐसे तमाम चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी जिनसे अछूती रही है और जिनको दरकिनार किया है। आपको बता दें, अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में 2022 में शामिल हुई थी, लेकिन उनको किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। लेकिन अब अखिलेश यादव, हो सकता है कि इस बार के उपचुनाव में अपर्णा यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी देते हुए दिखाई दे सकते हैं। पहले खबरें ये भी आ रही थी कि करहल सीट से अखिलेश यादव अपर्णा यादव को हो सकता है कि वो सीट सौंप सकते हैं, लेकिन इस पर अभी किसी भी तरीके की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें, वरुण गांधी को, अपर्णा यादव और संगमित्रा मौर्य को दरकिनार करना कहीं ना कहीं उनके लिए सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। वहीं संगमित्रा मौर्य की अगर बात किया जाए तो संगमित्रा मौर्य ने बदायूं सीट पर जिस तरीके से दो बार वो सांसद रह चुकी है, लेकिन इस बार कैंडिडेट बदलने की वजह से बदायूं सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट गवा बैठती है और उनका प्रत्याशी मैदान में हार जाता है। वैसे में ये समीकरण जो बन रहे हैं, आखिरकार किसकी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या मायावती और आजाद इस बार बाजी मारते हुए नजर आएंगे, उन दलित वोटर्स को साथ हुए नजर आएंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी उन सभी वर्ग के वोटर्स को अपने पाले में खींच कर साधने का प्रयास करेगी, अपर्णा यादव को कोई जिम्मेदारी देगी, या पुरानी गलतियां जो इस बार के लोकसभा चुनाव में हुई है भारतीय जनता पार्टी उनको सुधारने का प्रयास कर सकती है? अगर नहीं सुधारेगी तो जाहिर तौर पर इस बार के विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में भी घाटा देखने को जरूर मिलेगा। ऐसे में अपर्णा यादव को माना जा रहा है कि इस बार के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी उनको जिम्मेदारी दे सकती है। वहीं वरुण गांधी की वापसी भी पार्टी में होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। फिलहाल अभी तो समीकरण यही बन रहे हैं, लेकिन अनुप्रिया पटेल और तमाम जो सहयोगी दल है एनडीए के, वो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की जो कुर्सी है कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकती है। आखिर जब योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे तो जाहिर तौर पर वो पार्टी के सभी सहयोगी दलों को किस तरीके से साधने का प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं ये सवाल भी बहुत ज्यादा खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ अगर पूरे समीकरण को समझा जाए तो इस बार का उपचुनाव जो है वो निर्णायक भूमिका में रहने वाला है। ये निर्णायक भूमिका किसके पक्ष में जाएगी? क्या इस बार आम आदमी पार्टी की तरह ही भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल देखने को मिल सकता है? दिल्ली की सत्ता भी कहीं ना कहीं अब जनता पार्टी साधने का प्रयास कर रही है, लेकिन इस बार यूपी की सियासत में जिस तरीके से बदलाव आए हैं कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद चिंतनीय है। वहीं अगर इन तमाम चेहरों को इस बार चुनाव में जगह दे दी जाती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फिर से 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो पाएगी। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि इस बार अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगी या फिर सपा पार्टी में कमबैक कर सकती है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज़।